प्रिया जी के चरण कमल में भक्ति प्राप्त हो जाएगी। और इसके बाद नरह विमोचन, संसार से ऊपर उठ जाएगा, संसार में नहीं रहेगा, क्योंकि स्वर्ग में, सत्य में, कैलाश में ये रस नहीं है। इसलिए इस भागवत को पिबंतु, पियो पियो, कब तक पियो, तो पीते रहो, इस भागवत को छोड़ो मत, पीते रहो भागवत। पिबंतु अतः पिबंतु सद्भाग्या मामा मुंचत करे जी, इसको छोड़ो मत, ये पीने वाला वस्तु है। सूत जी कहते हैं कि इस भागवत को पी करके कौन कौन मतवाला हुआ, तो उसका नाम बताए, प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, चार संकेत में चार बड़े बड़े महापुरुष लोग इस श्रीमद् भागवत को पढ़े। इस भागवत को सबसे पहले कौन पढ़ा, तो आप लोग स्कंद पुराण वाले महात्म्य देखिएगा, पार्वती जी पढ़े भागवत को, शंकर जी पढ़े, ब्रह्मा जी पढ़े, सरस्वती पढ़े, विष्णु पढ़े, लक्ष्मी पढ़े, ये मुख्य मुख्य श्रोता है। जब विष्णु भगवान भागवत की कथा पढ़ कहते हैं तो एक महीना लगता है कथा कहने में, और जब उसी कथा को लक्ष्मी जी कहने लगती हैं तो दो महीने लग जाते हैं, दो महीने लग जाते हैं। फिर शंकर जी भागवत करते, भागवत के रस्ते भागवत शिव जी करते हैं, फिर पार्वती जी करती हैं। ये दोनों भागवत केवल सुनने का विषय नहीं, पहले सुनो, सुन कर क्या करो, प्रपठन, फिर गुनगुनाओ। बरसाना में एक बाबा थे, षटकोप बाबा महाराज, उनको पूरा भागवत कंठस्थ था। ऐसे मधुकरी में जाते थे और श्लोक गाते गाते जाते थे, उनका एक ही साधना था, सुबह से उठना, भागवत पढ़ना चालू कर, तो एक बार बार पढ़ रहे। एवं ब्रुवाणे सतिवादरायण मध्येश भायाम हरिरा विरासित। जब श्रीमद् भागवत की प्रपठन चल रहा था, श्रवण कीर्तन विचार जब चल रहा था, तो भागवत के श्लोक से ही महाराज ठाकुर जी प्रकट हो। भगवान कहाँ मिलेंगे, एक महात्मा कहते थे तुम कहीं तीर्थ वीरथ कर लो, कुछ भी साधन कर लो, भगवान को जब भी मिलना है भागवत के श्लोक में मिले, भागवत भागवत के श्लोक से प्रकट हो। जितने रसिक महापुरुष है, अपना रस कहाँ से निकाले, तो भागवत से निकाले, उसका आधार है श्रीमद्, इससे श्रेष्ठ। प्रहलाद, उद्धव, अर्जुन इत्यादि प्रकट हो गए, जब भगवान विष्णु प्रकट हुए तो हुए, और सबके साथ महाराज वहां पर भगवान जब मिले, प्रकट हो गए, तो भाई दृष्ट्वा प्रसन्नम महता स्नेह हरि, ठाकुर जी जब देखे श्रीमद् भागवत से निकल आए हैं तो विशाल आसन दी, और सब महात्मा लोग ठाकुर जी को चारों तरफ से घेर लिए, और घेर करके भगवान का एक कमजोरी है, यदि भगवान यहाँ पर प्रकट हो जाए, हम लोग कुछ ना करें तो भगवान तुरंत चले जाएंगे, तो भगवान प्रकट हो जाए तो उनको फंसाने के लिए कुछ करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, कीर्तन करना पड़ता है, उनकी स्तुति, भगवान को स्तुति यदि कोई करता है तो बड़ा अच्छा लगता है, सब जगह भगवान को स्तुति अच्छा लगता है, व्रज में भगवान को गाली अच्छा, तो गाली यदि दिया जाता है आप लग जाइए जगन्नाथ जी में, तो जगन्नाथ जी को उड़िया पंडा वो बड़ा गंदा गाली देते हैं। जगन्नाथ जी जब चलते हैं, चलते चलते रुक जाते हैं, तो इतना गंदा गंदा गाली देते हैं, तो गाली देव उनको बड़ा आनंद आता है, और आनंद आकर के थोड़ा सा चल देते हैं। क्या क्या कारण है, सटाक बंद हो क्या बोल रहे हैं, उसी तरह ये जो ब्रज का ठाकुर है, ये गाली इसको अच्छा लगता है, ब्रज का कन्हैया है ना, कृष्ण कृष्ण कहने से नहीं आएगा, कन्हुआ कहेंगे तो आ जाएगा, ओ सत्य व्रतम सत्य परम की सत्यम कहेंगे तो नहीं आएगा, माखन चोर, ये भगवान का नियम।
आप लोगों को भी पता है, आप लोगों को भी गाली अच्छा लगता है, लगता है कि नहीं? जो गाली ये देश में ना वही गाली जो ना तू करते है उड़िया भाषा, हाँ जो ना खुद करते चल चल कहे भाई। तो गाली आप लोगों को नहीं पता है, जब ससुराल में जाते हैं तो गाली महाराज गिन गिन कर देते हैं, खिला अगर भोजन दे देंगे और गाली चढ़ कर, और जितना गाली उतना रसगुल्ला खा लिया और आनंद आएगा, लड़ाई नहीं करेंगे। ये गाली मत का, ये ब्रज का ठाकुर है ना, मेरा प्रेमी भगवान, जैसे मनुष्य को सबसे अधिक प्रेम ससुराल में मिलता है तो ससुराल का गाली उसको बड़ा मीठा लगता है, मधुर लगता है, उसी तरह श्याम सुंदर को भी बहुत अच्छा लगता है। चेतन चैतन्य में लिखा गया है कि प्रिया यदि मान करे कर भरसम वेद स्तुति हैते हरि से ही बोल। यदि ब्रज की गोपियां क्रोधित हो जाती ठाकुर जी को, गंदा गंदा गाली देती, तो भगवान कहते हैं यार वेद स्तुति से भी अधिक मुझे लगता है, सुनाओ सुनाओ प्रेम। तो महाराज भगवान यदि प्रकट हो गए तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा मैंने उनकी कीर्तन कीर्ति गान करना, कृति में भी सबसे श्रेष्ठ है ब्रज गोपियों की कृति। सखी हे बुझल कान, ये गाली है, विद्यापति गाली देते हैं। सखी हे बुझल कान गंवार, अरे सखी आज पता चला है कृष्ण बिल्कुल गंवार है। क्या क्यों गंवार है? तो सुख संग जे जन्म गंवावल, ये तो जीवन भर पशुओं के साथ हीयो करके घूमता रहा, और गोपियों के पास, गोपियां जो प्रेम की निछंच देवता, केवल प्रेम छोड़कर कुछ जानती नहीं है, गोपियों के हृदय में केवल प्यार ही प्यार है, और उस प्यार को गंवार अनुभव करना चाहता है। देखो भाई श्री कृष्ण की स्तुति पूरा दुनिया में सभी लोग करते हैं, सब लोग करता है, ब्रह्मा करता है, इंद्र करते हैं, शिव प्रहलाद नारद, और गोपियां कैसे स्तुति करती हैं? सखी हे बुझल कान गंवार, इंद्र की स्तुति से अच्छा लगता है कि नहीं? एक ठाकुर जी को यही कर लिया, तू बिल्कुल गंवार है, जिनको लिए वेद में कहा गया है भगवान को, जिसके पास ज्ञान की अनंत सीमा है, जिनके एक रोमा से, जिसके एक श्वास से अनंत अनंत श्रुतियां निकलती हैं, और उन कृष्ण को गोपियां क्या कहती है? गंवार है, मूर्ख है, इसको पता नहीं है। ये कृष्ण फीका पड़ जाता है गोपियों के प्यार के आगे, फीका पड़ जाता है, ये प्यार चाहिए इसको, ये कृष्ण को क्या चाहिए? प्यार का देवता है, इंद्र बस में नहीं कर सकता, ब्रह्मा बस नहीं कर सकता, शिव बस नहीं कर सकता, बस में कौन किया? गोपी की। निरंतरम बसी कृतम प्रतीत नंद नंदने, 2400 घंटा गोपियों के प्रेम में बंधा हुआ है, ये गोपियां ही प्रेम में बांध देगा, क्या बांध, क्या किस मंत्र से बानी है? तो गमार कह करके मूर्ख, पशु का, पशु का ही, और कृष्ण को पशु कह दिया, पशु ये प्यार है प्यार। तुम्हारे ठाकुर जी प्रकट हो गए, प्रकट हो गए तो भक्त लोग उनका कीर्ति गान करने लगे, ब्रज का प्रेम। और उस गाली को सुन करके भगवान को कैसा लगा? तो दृष्ट्वा प्रसन्नम महदासनम हरे, श्री कृष्ण बड़ा प्रसन्न। अच्छा आप ये गाली कौन देता है? हम लोग रास्ते में चल रहे हैं, गाली देंगे किसी? साला मिल जाए तो ऐसा अपनी पत्नी का भाई यदि मिल जाए तो गाली दे, ऐसा तो उसको कितना अच्छा लगेगा कि नहीं? अच्छा लगेगा। तो ठाकुर जी गोपियों का गाली बड़ा अच्छा लगता है। गीत गोविंद में तो कई श्लोक मैं आपको दिखा दूंगा, केवल इच्छा ऐसा गंदा गंदा गाली गोपियों में आती है ठाकुर जी। कौन है? सातवां स्कंध, सातवां शरण। ते चक्रे कीर्तन मग्रतस्तथा, भक्त लोग अब कीर्तन प्रारंभ करते प्रसन्न करने के लिए। देखिए कौन कौन भक्त प्रकट हो गए। कल एक महात्मा कह रहे थे, हम लोग गए थे कल कथा श्रवण करने,
तो दुनिया में जितने महात्मा हैं उन समस्त महात्मा से सबसे श्रेष्ठ उद्धव, उद्धव से बढ़कर कोई नहीं। भागवत में जितना विशेषण सुखदेव जी ने उद्धव जी को लगाया उतना किसी को नहीं लगाया। अब एकादश स्कंद में तो कह दिए मुझसे न्यून मात्र की कमी तुमने नहीं है, हम में और तुम्हें कोई कमी नहीं, थोड़ी सी कमी है वो कमी मैं तुझको ब्रज गोपियों के पास भेज कर कर दूं। देखो भाई, भगवान ब्रह्मा को नहीं भेजते, किसी को नहीं, गोपियों के पास किसको भेजते हैं जिसको अपना समझते हैं। ये मधुर रस की आराधना सबको नहीं मिलती, भगवान जिस पर अतिशय कृपा करते हैं उसको गोपियों का पद नहीं देते, वृंदावन का राज देते, सबको नहीं देते। कितना इस संसार में करोड़ों अरबों आदमी हैं, हैं, लेकिन वृंदावन कितने लोगों को दिए, और वृंदावन देने के बाद भी ब्रजरज से प्रीति कितने लोगों को दी, कितनी कीमती वस्तु। तो ये उद्धव जी, उद्धव जी के लिए कहते हैं सुखदेव जी, पहले तो ये कहते हैं कि कृष्ण के कुल में सबसे श्रेष्ठ कौन है, कृष्ण के कुल में विष्णु वंश में सबसे श्रेष्ठ कौन है, विष्णु नाम गौरव है, और कृष्ण का सबसे प्रिय सखा कौन है, तो उद्धव जी। मतलब अर्जुन से श्रेष्ठ उद्धव जी हैं, अर्जुन को तो गीता का उपदेश दी और उद्धव को कारण ठाकुर जी ने जो उपदेश दिया है वो भी प्रेम दिया है। कृष्णस्य दैतः सखा, शिष्य किसके हैं, तो बृहस्पति के। भगवत गीता में भगवान कहते हैं मैं बुद्धिमान हूं बृहस्पति, और उनका शिष्य कौन है, उद्धव। और जितने बुद्धिमान है बुद्धि सप्तम कौन है, उद्धव जी। तो वो देखिए उद्धव जी यहाँ पर प्रकट हो गए, प्रेम प्राप्त किए। ओ उद्धव जी क्या इच्छा हुआ, गोपियों से सत्संग करके उनको क्या मिला, मन में यही आया कि हम और कृष्ण की आराधना नहीं करें। उद्धव जी के मन में आया गोपियों के साथ रहे तो कहे यार हम तो कृष्ण को सबसे अच्छा समझते हैं, लेकिन इतना खराब आदमी है। वो कहते हैं जो कृष्ण का पक्का भगत उद्धव कहता है हम कृष्ण का आराधना नहीं करें। उद्धव भगवान कहे क्या कि चाहिए क्या, तो कहता है वृंदावन का कोई लता पता बना दो, यदि तुम हम पर अधिक खुश हो तो हमें लता पता। आसाम हो चरण रेणु जुसाम हष्टाम वृंदावने किमति गुल्मलतौ सधीनाम। तो भगवान कहे कि अरे यार तुमको इतना सुंदर शरीर मिला है, तुम लता पता क्यों बनना चाहते, कि ब्रज गोपियां प्रेम में दीवानी होकर जब इधर उधर घूमेंगी और उनका चरण रज मुझ पर मिले, मुझको मिलेगा, तो इससे बड़ा सौभाग्य आपके साथ रहने में। देखिए सत्य बात, हम लोग ब्रजरज की महिमा जानते हैं, बिल्कुल नहीं। ब्रजरज की महिमा कौन जानता है, उद्धव जानता है। उद्धव कहता है हम भगवत पार्षद स्वरूप नहीं चाहता, कृष्ण का सानिध्य नहीं चाहता, हे कृष्ण यदि आप सचमुच हम पर प्रसन्न है तो हमको वृंदावन का लता पता बना। गिरिराज जी की तलहटी में आज तक भी लोग कहते हैं कि वही लता पता बने हैं, उद्धव कुंड है ना, उद्धव कुंड पर लता पता बने, और लता पता बन करके महाराज श्री कृष्ण की क्या करते हैं, तो ब्रज गोपियां गिरिराज की परिक्रमा करती हैं, गोपी लोग कृष्ण की परिक्रमा करते हैं, गिरिराज जी भागवत में तो कृष्ण की परिक्रमा करते हैं, राधे राधे कह करके, तो उनका जो चरण रज मिलेगा तो उसको अपने आप पर स्वीकार करते हैं। तत्रागमत कीर्तन दर्शनाय, ठाकुर जी प्रकट हो गए हैं। भागवत ठाकुर जी कहाँ से प्रकट हुए, तो भागवत से निकले, और भागवत से निकल करके कीर्तन प्रारंभ हो गया। अब देखिए कीर्तन कैसे कैसे हो रहा है, कीर्तन करने की बहुत सी शैली है, तो एक है कथा कहने की भी चार शैली और कीर्तन करने की भी चार शैली, एक है कथा करने की शैली, एक है व्यास परंपरा। व्यास जी की परंपरा का भागवत क्या, कथा क्या है, भागवत रखो और भागवत के श्लोक के अनुसार चलो। एक है नारद शैली, कथा कहो बीच बीच में कीर्तन करने लगे, नारद जी का शैली कथा कहते हैं और बीच बीच में कीर्तन चालू कर देते हैं। और एक है हनुमत शैली,
कथा कहने की, एक एक डाढ़ से कूद के एक डाढ़ से इधर हनुमत से। तो देखिए अब कीर्तन प्रारंभ हो गया। कीर्तन में ताल का बहुत महिमा है, ऐसे ताल बजाना है ना, ताल जैसे जिसको ताल नहीं आता है किसी से कैसे कैसे गा देता है, फिर गड़बड़ देता करते हैं। सबसे ताल की ज्ञाता प्रहलाद जी, ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए प्रहलाद हस्तालधारी तरल गति तया चोथ वह कांशधारी। प्रहलाद जी ताल बजाते हैं, करतल ताल तरल वल जावली। ये प्रिय जी रास जो चलता है हरिदासियों का जो समाज होता है ताल का चलता है। ये प्रिय जी का फीलिंग कर तल ताल तर बलियावले कलित कल स्वयं वंशे। प्रहलाद जी बजा रहे ताल और उद्धव जी बजा रहे झांझ। कीर्तन में उद्धव जी झांझ बजा रहे, उसी समय नारद जी आ गए, नारद जी वीणा बजा। हमारा बीच बीच में जो अलाप लेते हैं, अलाप लेते हैं बीच बीच में, वो कौन ले रहा है? तो अर्जुन ले रहे हैं। देखो भाई राग रागनी की सबसे बड़ी ज्ञाता अर्जुन है। अर्जुन साक्षात भगवान ही है, नर नारायण के अवतार है, तो नर तो भगवान ही नर। इस राग करता जनों को अरे महाराज केवल राग रागनी से ठाकुर जी को प्रसन्न कर। इसके बाद इंद्र प्रकट हो गए। इंद्रो वादिन मृदंग, इंद्र क्या बजाते हैं? मृदंग बजा रहे। और एक है बीच बीच में जय जयकार लगाना चाहिए, जय हो जय हो। ये कौन करता है? संघादिक बीच बीच में जय हो जय हो, जय जय शुकरा कीर्तनेते कुमारा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी की सृष्टि के सबसे पुराने ब्रह्मा जी के बेटे हैं, साक्षात भगवान के अवतार हैं, शंख चक्र गदा पद्म चारों के अवतार हैं शंकादिक लोग, निम्बार्क संप्रदाय के आदि आचार्य हैं शंकादिक लोग। ये जहां कहीं भी कीर्तन होता है तो वहीं से जय हो का नारा लगाते हैं, जय जय शुकरा कीर्तनेते कुमारा। इसके बाद सुखदेव जी प्रकट हो गए। तो सुखदेव जी क्या करे, जत्रागे भाव वक्ता सरस वचनया व्यास पुत्रो बभुव। तो व्यास जी का पुत्र, व्यास जी का लड़का सुखदेव जी प्रकट हो गए। तो सुखदेव जी क्या करते हैं, तो भाव वक्ता, भाव जिसका जैसा भाव है वैसा स्वरूप दिखा देते। अब देखिए कीर्तन के बीच में ही भगवान शंकर प्रकट हो गए। देखिए कलयुग से पूर्व किसी को पता नहीं था कि नाचने गाने से भी भगवान मिलेंगे। लोग समझते थे ध्यान करो यज्ञ करो पूजा करो तभी भगवान मिलेंगे। कुछ कुछ इस परंपरा के यहाँ भी है, जब श्री गौरांग महाप्रभु अपना हाथ उठा करके नृत्य करते कीर्तन करते तो लोग कहते थे ये कहाँ से भाव का आ गया है, नाचने गाने से कहीं भगवान मिलेगा। श्री गौरांग महाप्रभु सबसे पहले इस जगत में आकर यह सिखलाए कि यार नाचने गाने से भगवान मिलेंगे, अब आप मुद्रे की जरूरत नहीं है। ये कलयुग आ गया है, जोर जोर से नाचो और कीर्तन करो, श्री गौरांग महाप्रभु सिखलाए थे। पहले किसी को पता नहीं था, नाम लेते थे और नाम ले, नाम ही सब कुछ है ये गौरांग महाप्रभु। अरे नाम से केवल पाप कटेगा ऐसी बात नहीं, नाम से भगवत प्रेम भी प्राप्त हो जाए। तो उसी समय ननर्त मध्य त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिका नाम नटवत सुतेजसाम। जब इस प्रकार कीर्तन हो रहा था तो उसी समय महाराज तांडव नृत्य करते हुए साक्षात भगवान शंकर प्रकट हो गए। अलौकिक कीर्तन को देख करके अभ्रभीत बोले, क्या बोले कि हे प्रभु हमको एक वर दे दीजिए।
केतन के बीच में मांगे कि हमको एक वर दे दो। वर क्या दे दो कि जहां कहीं भी कथा होगी वहां जरूर आपको आना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है भागवत की कथा होती है कहीं भी तो वहां बिना बुलाए भगवान आ जाते ठाकुर जी, क्योंकि भक्तमाल में कथा है कि जब भक्तमाल की कथा जयपुर में हो रही थी और सब श्रोता तो ऐसे ही है, सोते सोते, श्रोता का मतलब ही है सुनते सुनते सो जाए ना, सोता सोता श्रोता, कितने श्रोता सोता है तो कथा कह रहे थे सो गए, सो जाते हैं ना आप कथा के बीच में, सो जाते हैं ना, कोई बात नहीं, ये इसमें भी लिखा है सो जाते तो सो गए श्रोता लोग सो गए। फिर वक्ता आए कथा कहने के लिए तो पूछे भाई कि किसी को याद है हम कहाँ कथा कहे हैं, तो सब श्रोता सोता कोई तो सुना है। तो गोविंद जी बड़ा चक्कर में पड़ गए, आखिर अब क्या किया जाए, तो सब श्रोता सोता है अब तो कथा होगी नहीं। तो गोविंद देव जी पुजारी को झकझोरे, अरे जाकर कहो मैं सुन रहा हूँ, तो जाकर पुजारी कहा कि महाराज ठाकुर जी कहे हैं कि मैं सुन रहा हूँ, तो वो कहे कि हमको विश्वास नहीं, तुम जो तुम कहते हो उनसे जाकर पूछ लो कौन प्रसंग से कथा में छोड़ा था। तो पुजारी बड़ा झंझट में आ गया, फिर जाकर पूछा कि महाराज उठने और चलने वाले हैं, पूछ रहे हैं कि आप यदि सुनते हैं तो बताइए कहाँ से प्रसंग छोड़े थे। तो भगवान भी चक्कर में पड़ गए, तो भगवान कहते भी रहता है कथा तक हुई थी, आप जाकर कह दिया तुम्हारा ये कथा की श्रोता भगवान। यहाँ भागवत में लिखा गया है उस कीर्तन में भगवान के पास जाकर के पूछे प्रभु आप हमें वरदान दे दीजिए, मत्तो वरम भाव वृता विरुद्धम, आप क्या दो कि जहां कहीं भी कथा होगी आपको रहना पड़ेगा, तो भगवान आशीर्वाद दिए। भगवान कहाँ रहते हैं भगवान वैकुंठ में रहते हैं, योगियों के हृदय में रहते हैं, भगवान वही रहते हैं। जत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, जहाँ हमारे भक्त हमारे नामों का कीर्तन करते हैं हमारे लीला कथा गान करते हैं वहीं रहता हूँ। इस प्रकार यह कथा भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद 30 वर्ष के बाद सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाया, ये भागवत की परंपरा है। जब भगवान इस स्वधाम गमन चले गए तो 30 वर्ष के बाद कृष्ण के 30 वर्ष के बाद, मैंने आप लोग हिसाब की बड़ा हिसाब किया गया इसमें, जब अर्जुन आए हैं द्वारका से तो युधिष्ठिर महाराज को वैराग्य हो गया, स्वर्गारोहण कर दिए, परीक्षित को राजा बना दिए, मध्य जवानी में ही महाराज उनके शरीर छूटा था परीक्षित महाराज का, तो 30 वर्ष जब वहां पर दिग्विजय के समय कलयुग का वर्ष वो किए। देखिए दुष्ट आदमी को सम्मान नहीं देना चाहिए, शास्त्र में लिखा गया है जो दुष्ट आदमी होता है वो जो सम्मान देगा उसी को नाश करेगा, स्वभाव होता है। विकासुर तपस्या किया, भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहे कि वो पूछा कि वरदान मांग, तो उसने कहा कि जिसके सिर पर मैं हाथ रख दूं मर, तो कहे शंकर जी का ठीक है, तो कहे तुमको ही बल मार, वो भेजा कि भगवान प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे, कहा कि तुम पर पहले ट्राई करता। उसी तरह कलयुग भी है, कलयुग को परीक्षित महाराज ने आशीर्वाद दिया, 4 स्थान दे दिए, 5वां स्थान दे दिए सोना, तो उस कलयुग सोचा पहले ट्राई इसी पर कर लेता हूँ, इसके सिर पर सोना है मुकुट पहले इसी को ट्राई कर लेता हूँ उनको मारने के। तो भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद 30 वर्ष के बाद इस भागवत की कथा सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया, और श्री कृष्ण के 200 वर्ष के बाद गोकर्ण जी ने इस कथा को किसको सुनाया, धुंधकारी को सुनाया, और गोकर्ण जी को कथा सुनाने के फिर 30 वर्ष के बाद सूत जी ने इस कथा को समकालीन ऋषियों को सुनाया। ये भागवत में है, तस्मादपि फलौ प्राप्ते 30 वर्ष गते सति ऊचु रुजे सिते पक्षे नवम्यां ब्रह्मणः सुता,
किस स्थिति को सुनाया, कलौ भागवती वार्ता भव रोग विनाश। देखो भाई, संसार का रोग तो दूसरी बात है, जिसे बुखार आ जाए, भागवत में भी है। भागवत में कथा है कि यदि किसी को मलेरिया बुखार आ गया हो और दवा से ठीक नहीं होता हो, तो एक अध्याय है उसको पाठ करने से शीत ज्वर का नाश हो जाता है, पता है ना, वो दशम स्कंद में है, उषा अनिरुद्ध मिलन में वैष्णव ज्वर और शिव ज्वर दोनों एक साथ लड़ा है, तो उसका फलश्रुति लिखा गया है कि इस अध्याय को यदि कोई पाठ करेगा तो शीत ज्वर शांत हो जाता है। शीत ज्वर कहते हैं मलेरिया को, जो ठंडा करके बुखार आता है उसको शीत ज्वर कहते हैं, वो ठीक हो जाएगा। ये भागवत की कथा सुनने से क्या होता है, भव रोग का नाश हो जाता है। भव रोग, भव रोग माने मैं जब मोर तोड़ते माया, इस संसार में जो रोग लगा हुआ वो नष्ट हो जाता है। अब कहते हैं इस भागवत में, कृष्णा प्रियम सकल कल्मष नाशनम च मुक्ते कहे तुम्य भक्ति विलासकारी संत कथानक मिदं पिबतादरेण लोके हि तीर्थ परिशीलन सेवया किम। यह श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है, कृष्ण को प्रिय है, और कलयुग के समस्त कलमश को नाश करने वाला है और मुक्ति का हेतु है और भक्ति का विलासकारी है। महाराज, भक्ति कहाँ नृत्य करती है, कहाँ नाचती रहती है, तो भागवत में। इसीलिए संत महापुरुष लोग एकांत में बैठ करके बड़े आदर के साथ श्रीमद् भागवत का पान करते रहते हैं। संत लोग क्या करते हैं, एकांत में बैठ कर क्या करेंगे, तो भागवत का पाठ करते हैं। महाराज, जब भागवत इस जगत में है तब दूसरा तीर्थ, दूसरा साधन इत्यादि करने की क्या जरूरत है, और सब पुराण इत्यादि वेद पढ़ने से क्या फायदा है। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं, देखिए भागवत की महिमा बताते हुए एक बात कहते हैं कि यदि कोई जमराज का दूत इस संसार में आता है किसी को लेने के लिए, तो जमराज उसको बुलाते हैं अपने पास और उसके कान में एक मंत्र देते हैं। कहते हैं जमराज जी कि तू कहाँ जा रहा है, तो कहता है मां उस पापी को लाने के लिए जा रहा हूं। तो किस पापी को, जमदूत अपने हाथ में पास लेकर के नरक में ले आने के लिए जाते हैं, बदती जमह किल तस्य कर्ण बोले, जमराज उसको आ करके उसके कान के मूल में कहते हैं, कहते परिहर भगवत कथा सुमतन, खबरदार वह पापी यदि भूल कर भी कथा में बैठा हो तो उसके पास मत जाना। तो महाराज तब उस पापी का क्या होगा, कहाँ ले, अरे वो हम लोग के भाग गया बावली से, हम लोग उसको कौन करेगा, तो भगवान विष्णु चला गया है। इस प्रकार महाराज ठाकुर जी की वर्णन करते हैं। तो भागवत कितने देर तक पढ़े, क्या करें, तो कहते हैं रे संसारे विषय विषसंगा कुल धिय। अरे मनुष्यों, तुम लोग कहाँ घूम रहे हो, संसार में कुछ है नहीं। आप लोग केला का पेड़ देखे हैं, केला का पेड़ और उसका छिलका निकालते क्या निकलेगा उसमें से, छिलका ही निकलेगा। उसी तरह ही संसार के किसी सुख को छिलते जाओ कुछ मिलेगा नहीं। हरि को ऐसो ही सब के, ठाकुर जी का ऐसा है कि कुछ है नहीं किसी भी सुख में। आदमी, गरीब आदमी सोचता है कि यार हमसे अधिक उसी अधिक सुख। एक आदमी साइकिल चला रहा था, उसके गांव में एक कार आ गया, उसके मन में अरे यार इस पर जो कार में बैठा होगा क्या भाग्यशाली, साइकिल वाला सोचा था यार
भाग से उस साइकिल वाला ड्राइवर से करके उसी कार का ड्राइवर और ड्राइवर बन करके अब 24 घंटा चलाना पड़ा वो और रो रहा थे वो कार है उसके लिए 20 हो गया यार। उसी तरह संसार का जितना सुख है वो आपत्कालीन सुख देखने में लगता है अच्छा है लेकिन प्राप्त हो जाने के बाद इंद्र भी रोता है ब्रह्मा भी रोता है भागवत में ब्रह्मा भी रोया है इंद्र भी रोया है। भगवत सेवा प्रिया जी के चरण कमल की सेवा के अतिरिक्त जहां भी जाएंगे वहां अशांति मिलेगा इसलिए कहते हैं सारे संसारे विषय विशेषंगाकुल धिय क्षणार्धम क्षेमार्थम। अरे मनुष्य रुक जा कहां भाग रहा है जहां भाग रहा है कुछ है नहीं असार है कुछ है नहीं दिख रहा है कि कुछ है लेकिन वहां पर कुछ नहीं असारे संसारे सब क्या करे क्षणार्ध एक सेकेंड के लिए रुक जा क्या करे रुक करके तो थोड़ा पी लो थक गया है बहुत दिन से घूमते घूमते कभी गधा कभी कुत्ता कभी बिल्ली कभी देवराज इंद्र कभी ये सब बनते बनते तू थक गया है तो क्या करो तो थोड़ा एक सेकेंड रुक जाओ रुक कर क्या करो तो क्षणार्धम क्षेमार्थम अपने कल्याण के लिए थोड़ा पी लो क्या पियो तो सुख गाथा तुल सुधाम। ये सुखदेव जी अपने मुंह से जो गाथा गाए हैं उनका थोड़ा पान कर तो पान करने से क्या होगा किमर्थम व्यर्थम जो व्रजत कुपथे कुत्सित पथे उस सुख गाथा को छोड़ करके संसार में जितना सुख है वो तुझको केवल विपत्ति डालने वाला है। दिखने में लग रहा है कि कुछ सुख देगा लेकिन विपत्ति देगा इसका प्रमाण है परीक्षित साक्षी श्रवण गत मुक्त हेतु कथने इसका प्रमाण है महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षित के राज की वर्णन श्रीमद् भागवत में है जैसे भगवान राम की राज का वर्णन वैसे परीक्षित की राज परीक्षित साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने महाराज सुखदेव के मुंह से निकली हुई श्रीमद् भागवत की कथा को पान करके उन्मत्त हो गए। सुख के नेता कथा सुख ने इस कथा को कहा है इसीलिए कंठे संबंधते जेन वैकुंठ प्रभुर भवे। देखो हम लोग जो बोलते हैं ना कुछ अनुभव ही है क्योंकि उस रस की तो अनुभूति है नहीं अब मुंह से बकबक बकबक बोलते हैं इसीलिए कुछ कल्याण नहीं। जिसको रस मिल गया है महाराज ये सब एक ही श्लोक में पागल बना दे ये भागवत का तो एक श्लोक भी हो जाएगा। अब कहते हैं ये क्या है भागवत इति च परम गोह्यं सर्व सिद्धांत सिद्धं जो मैं अभी बताया ये कहते हैं बड़ा गोपनीय है बहुत गोपनीय है गुह्य है और समस्त सिद्धांतों से निष्पन्न हुआ है सपद निगत।